हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील हूँ। आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग स्नातक चयन परीक्षा 2010। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक हल प्रश्न उत्तर है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, उसको मैं आपको बता देता हूँ। वाटर कूलर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी मीटर होती है? तो ये 3 मीटर होता है। और आपका जो है डायरेक्ट जो फैलने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज, तो वो किस किस माध्यम से फैलते हैं? तो सभी के माध्यम से, जैसे जल, भोजन, कीड़ों आदि के माध्यम से डायरेक्टली फैल सकता है, ये जानते ही हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार 2010 का पूछा था, तो उसको छोड़ देते हैं। वो अभी का आप लोग देख लेंगे, हैरिकेन को मिला है, आई थिंक उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो गर्मी में ताकत प्रदान करता है? तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। आयरन की किस खाद्य जो है आयरन किस खाद्य सामग्री से उपलब्ध होता है? हरी सब्जियों से ये प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो इसमें ओवरहेड पास होगा, बाकी रोलिंग, ड्रिबलिंग और पुश पास, ये आपका हॉकी और बास्केटबॉल में ये सब चीज होता है। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप करते हैं? ये प्रभाव का नियम करता है। और प्रभाव का नियम किसने दिया था करके आ जाता है, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये सभी नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत दो और क्या क्या चीज आते हैं, तो ये आप मेरे को कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है? तो ये होती है आपका वंशानुक्रम कारक के कारण। और खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को जो है खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी कि घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, यह कथन किसका है? तो ये है आपका जुआन एंटोनियो समारांच का। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका 800 मीटर का है, आपको ये महिलाओं के में होता है। जैसे पुरुषों के में आपका 100 मीटर, 400 मीटर पहला दिन का जो पहला इवेंट 100 के बाद जो है आपका शायद डायरेक्ट 400, और दूसरा दिन 110 मीटर हर्डल, और लास्ट इवेंट 1500। बीच का इवेंट को आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाफ स्टेप एवं जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका त्रिकूट। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग और 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा मेल गलत है? तो लाल जो है ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। नीला जो है अफ्रीका को कर दिया है, तो ये भी गलत है, अफ्रीका तो काला होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको गलत हो गया, तो दोनों गलत है इसमें का। लाल किसको करता है? ये अमेरिका को करता है लाल, तो इसमें दोनों को गलत दे दिया है, बाकी इसको उत्तर चुना गया था। ये 2010 का था, इसमें तावा पत्ती लगा रहा होगा, नहीं लगाए होंगे तो इसी आ गया होगा इसका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ, और जून 1914 में इसका जो है विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ, तथा इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्ट ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद था और सिल्की जो सिल्क के बने ध्वज के माध्यम से ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, ठीक है। चलिए ये जो है 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, जो है हम लोग एशिया में आते हैं, काला चक्र अफ्रीका, और देखिए यहाँ पर सही दिया है, बाकी ऊपर में गलत दे दिया है। चक्र हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया, तथा लाल चक्र जो है आपका ये यूएस मतलब अमेरिका, ठीक है। स्रोत है लुसेंट सामान्य ज्ञान से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षक दो
के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन का सॉरी आंसर हो जाएगा, अनुकरण विधि सबसे ज्यादा अच्छा रहता है छोटे बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो त्राटक जो है क्रिया नहीं होता है, ये आप किस में आ जाता है? प्राणायाम में आ जाता है, तो इसका सभी को पता ही होगा। चलिए, नेति क्रिया होता है, नाड़ी शुद्धि होता है, कपाल भांति, ये सब क्रिया है, और ये त्राटक क्या है आपका? क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणायाम है? तो नौली जो है, नौली, धोती, बस्ती, और ये सब तो उज्जयी, उज्जयी आपका इसका नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, उज्जयी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है? नौली, धोती, है बस्ती। ठीक है दोस्तों, तो ये उज्जयी आपका क्या हो जाएगा? प्राणायाम को नौली, धोती, बस्ती, ये सब क्या है? क्रिया होते हैं और उद्यान बंद होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्ट्रोक पेनाल्टी, स्ट्रोक और पेनाल्टी की का एक बार और बता चुका हूँ मैं। तो ये होता है आपका हिट, और देख लेते हैं क्वेश्चन, लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता? तो ये हिट नहीं कर सकता है, ठीक है, पेनाल्टी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ओलंपिक खेल के पदक विजेता में सम्मिलित नहीं है? तो ये तीसरा हो जाएगा मिल्खा सिंह, जो है चौथा स्थान प्राप्त किए थे ओलंपिक में और ये पदक प्राप्त नहीं कर पाए थे 400 मीटर में। एंथ्रोलॉजी जो है, एंथ्रोलॉजी हो, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, तो ये आपका जोड़ों का करता है। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? तो इसका रिस्ट ज्वाइंट जो है ग्लाइडिंग, वो ग्लाइड करता है, आगे पीछे करेंगे ऐसे नहीं, ऊपर नीचे, तो ग्लाइड करता है। ठीक है, और इसमें से देख लेते हैं, एल्बो, एल्बो तो हिम ज्वाइंट होता है आपका, ठीक है, कब्जेदार, हिप ज्वाइंट, कार्पस एवं टार्सल ज्वाइंट ये नहीं है, तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? तो सब इसमें है आपका डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है, ठीक है, डबल हो या सिंगल, एक ही मैच एक ही सर्विस करेंगे, अगर पॉइंट मिलते रहता है तो वो टीम सर्विस करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है? तो यम के अंतर्गत जो है तप नहीं होता, ठीक है, तप किसके अंतर्गत आता है? नियम, यम के अंतर्गत पांच पाठ है, नियम के पांच भी पांच भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जो है जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन एवं विस्तार, एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, सभी को पता है, जिम जो जानते हैं वो तो उनको और अच्छे से पता होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। मांसपेशियों में किस तरह के पर्याप्त पदार्थ है कि पर्याप्त हो, पर्याप्त होने की खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, क्या पर्याप्त हो? तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन पर्याप्त होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला है ये वाला जो है, किस तथ्य की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन जो है बी का जो है रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा से देख लेते हैं इसमें, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, पुराना है, देख लीजिएगा इसको, थोड़ा से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं आ रहा है ये, आगे बढ़ेंगे इसको, ये वाला पार्ट ही छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में,
तो मैं उसको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा धीरे धीरे कर देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला पार्ट में उसको जो साफ सुथरा वाला है उसको लेके आऊंगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखें, प्लीज़ लाइक।